हेलो डियर स्टूडेंट्स, वर्कशीट नंबर 45 सॉल्व कर रहे हैं बेटा, जो कि चैप्टर नंबर 4 पर बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें रैखिक समीकरण बताना है इनमें से कौन नहीं है। तो रैखिक समीकरण का क्या स्पेशलिटी होती है, पावर उनकी घात एक होती है ना, चर की घात एक होती है। तो हमें देखिए, फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ लिख ली, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3x को आप इधर जाके माइनस करेंगे तो 2x बचा और 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। अब देखिए x की पावर कितनी बच गई, 1, यानी कि ये रैखिक समीकरण है। सेकंड बी पार्ट में देखिए, x की घात 2 जमा 5 इक्वल टू 3x माइनस 5। अब किसी भी तरीके से x स्क्वायर और 3x तो आपस में सॉल्व होंगे नहीं, क्योंकि इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, लाइक टर्म्स नहीं है, तो इसका मतलब ये रैखिक समीकरण नहीं है। नेक्स्ट है 7/3x माइनस 5 इक्वल टू 4x माइनस 3। जब आप x की टर्म्स कलेक्ट करोगे, 4x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास x ही बचेगा, है ना, कुछ तो x बचेगा। 4x होता तो कट जाता दोनों जगह, लेकिन अब हमारे पास कुछ x बचेगा, दैट मीन्स ये भी लीनियर इक्वेशन है। एंड द लास्ट इज एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8। अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab होता है ना, सो इट इज 2 × 2 = 4x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों जगह कट गया, फाइनली हमारे पास रह गया 4x और 8 भी इधर जाके प्लस हो गया, प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ये एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि x की घात यहाँ पे कितनी बची है, 1। ठीक है, तो इनमें से कौन नहीं है, सिर्फ बी। नेक्स्ट है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अधिकतम कितने सॉल्यूशंस होते हैं। वेरिएबल्स अगर दो हैं तो लीनियर इक्वेशन के कितने मैक्सिमम सॉल्यूशंस होते हैं, तो आंसर इज अनेक। एक्स इक्वल टू जीरो का आलेख क्या होता है, कौन सी लाइन होती है, ये वाई एक्सिस होता है बेटा, आपको याद भी रखना है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, हमने बहुत बार किया हुआ है, x इक्वल टू जीरो, और ऐसे अगर x एक्सिस का पूछता तो y इक्वल टू जीरो होता, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, 3x माइनस y इक्वल टू 3 का एक हल है। अब आपको इसने कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं, हमें 1 by 1 इन्हें पुट करके चेक करना है। देखिए पहला है, x की जगह 0 रखेंगे और y की जगह माइनस 3, तो हमें देखना क्या आता है, ये तो 0 हो गया और माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, इसका मतलब ये है इसका आंसर। सेकंड जब रखेंगे, x की जगह आपको 2 रखना है, आपकी बार माइनस y की जगह 3 रखा तो आपके पास आ गया 6 − 3, दैट इज आल्सो 3, तो ये भी आपकी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट आप रखेंगे x की जगह 3 माइनस y की जगह 6, नाउ अगेन इट इज 9 − 6 विच इज इक्वल टू 3, दिस इज आल्सो द आंसर। सो इसमें आंसर हमारा करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो डी है, हमें सब पे टिक नहीं लगाना है, है ना, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। निम्न में से किस रैखिक समीकरण का हल x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 है। तो अब हमें पता है हमें क्या करना है, हमें ये पॉइंट पुट करके देखना है और जहाँ पे भी सही सेट बैठेगा दैट विल बी द आंसर। जैसे फर्स्ट में हम रख रहे हैं x की जगह 2 y की जगह 3, तो हमारे पास आएगा 4 + 3 विच इज इक्वल टू 7, जबकि होना क्या चाहिए था 8, है ना, तो ये इसका आंसर नहीं है। b में रख के देखते हैं, 2 + 2 × 3 दैट मीन्स 2 + 6 विच इज इक्वल टू 8, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 के दो हल बताइए और इस पॉइंट का चेक कीजिए। तो हमें टेबल बनानी है, इसका मतलब टेबल हमने सीखी है, एक बार आप x को 0 रखोगे, एक बार y को 0। तो जब x को 0 रखेंगे तो x यहाँ से हट जाएगा, क्या बचेगा, सिंपली y इक्वल टू 5। एंड सेकेंड टाइम जब y को इक्वल 0 रखेंगे तो हमें बचेगा 2x इक्वल टू 5, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5/2, 2.5। तो दो पॉइंट हमने रख दिए, अब 3 और 2 रख के भी चेक करना है। तो x की जगह 3 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, हमें पैसा आ जाएगा 6 + 2 = 8, जबकि होना क्या चाहिए था 5, तो इसका मतलब ये इसका हल नहीं है। क्वेश्चन देखिए,
फाइव और टू इसके ग्राफ पर है तो के का वैल्यू, इसका मतलब ग्राफ पर है, इसका मतलब ये इसका हल है, सॉल्यूशन है। दैट मीन्स एक्स की जगह हमें फाइव रखना है, प्लस फाइव वाई की जगह टू रखेंगे, इक्वल टू 15। इट बिकम्स 5k प्लस 10 इक्वल टू 15। 5k 10 उधर जाके माइनस हो गया, 5 बचा, k इक्वल टू 1। दिस इज अवर आंसर। समीकरण का ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ बनाने के से पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी, जिसमें हमने सीखा है एक बार x को 0, एक बार y को 0। तो देखिए इक्वेशन है 2y माइनस x इक्वल टू 7। तो जब आपने x को 0 रख दिया तो ये हट गया, यहाँ पे y बचा 7/2, दैट मीन्स 3.5। और ऐसे जब y को 0 रखेंगे x आ जाएगा माइनस 7। अब इसका ग्राफ बना देंगे हम। देखिए 0 एंड 3.5, 0 के ऊपर आपको 3.5 लेना है, सो इट विल बी यहाँ पे आ गया पॉइंट आपका। एंड सेकंड पॉइंट इज माइनस सेवन जीरो, ये दिख रहा है आपको पॉइंट। अब आपने यहाँ से मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, और फाइनली उसने एक पॉइंट और आपको चेक करने के लिए दिया है, 3 और 2। बताइए इस समीकरण का हल है या नहीं। देखिए 3 और 2 दिख रहा है, ग्राफ से ही हमें पता चल जाएगा कि ये इसका हल नहीं है। उसने ग्राफ से ही चेक करने के लिए बोला है ना, सो इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। आपने आंसर पूरा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन सॉल्व करनी है 7x - 9 = 16। 7x is equal to 16 plus 9, that means 7x is equal to 25 and x is equal to 25/7। यहाँ देखिए बेटा, y की टर्म को एक ही तरफ छोड़ देंगे और -3/2, और ये भी माइनस हो गया इधर जाके। अब देखिए हमारे पास क्या बचेगा, y/2 = -8/2। फ्रैक्शन सॉल्व करना सबको आता है, सो दिस इज -4, वाई विल बी इक्वल टू -8। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारिका बाल दिवस के अवसर पर चॉकलेट बांटती है, डिस्ट्रीब्यूट्स चॉकलेट्स ऑन चिल्ड्रन डे। वे प्रत्येक बच्चे को 5 चॉकलेट देती है और बच्चों की संख्या को x से दिखाना है। तो अगर x बच्चे हैं और 5 चॉकलेट दे रही है सबको, तो टोटल इसका मतलब उसने बच्चों को कितनी दे दी, 5x। आगे कह रहे हैं वयस्कों को 20 चॉकलेट टोटल देती है, जो बड़े हैं लोग हैं उनको कितनी देती है, एडल्ट्स को 20 चॉकलेट्स टोटल। दैट मीन्स बच्चों को उसने 5x दी, बड़ों को 20 दी, और टोटल उसने कहा है टोटल को y से दिखाइए। टोटल इज रिप्रेजेंटेड बाय y, दैट मीन्स दिस नंबर इज इक्वल टू y। तो ये हमारा ए फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। दो वेरिएबल्स में हमने अपना क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर दिया, देखिए x और y में, है ना। आगे कह रहा है वो, यदि उसने कुल 145 चॉकलेट बांटी, यानी कि कुल हमने किससे दिखाया है, y को, y कितना है 145। तो y को की जगह हम 145 रख देंगे इस इक्वेशन में, तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, 5x प्लस 20 इक्वल टू 145। 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, हमें मिलेगा 125। That means x is equal to 25. बच्चे कितने हैं, 25. This is our answer. Keep on learning बेटा, stay blessed.